आप देख रहे हैं आपका अपना सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मंत्र, हर खबर की सच्चाई पर नजर। उन्होंने किया चार धाम का अपमान, हम लौटाएंगे उत्तराखंडी स्वाभिमान। और हमारी घोषणा ये है कि 10 मार्च 2022 को जो कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें चार धाम चार काम नाम का अलग से विभाग होगा और अलग कैबिनेट मंत्री होगा। उसमें साल के सरकार कार्यकाल होगी आपकी सरकार की, आप यह सरकार बनती तो सिर्फ 4-5 साल में चार काम ही करेंगे क्या? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप जनभावना के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं। 1000 और काम मैनिफेस्टो में हमारे सीनियर लीडर्स ने गिना है, कुछ काम मैं आपको गिनवा देता हूँ। उनमें प्रमुख रूप से है कि किस तरह हम अवैध खनन को रोकेंगे, किस तरह से हम शहरों में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, किस तरह 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले साल में मुफ्त देंगे और फिर उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, किस तरह ग्रेड पेज के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, किस तरह से स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, किस तरह से हेल्थ में ज्यादा एलोकेशन किया जाएगा, किस तरह से इनफ्लो राज्य में बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, किस तरह से एमएसएमई उद्योगों को रिवाइव करने के लिए आयुर्वेद और फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। तो ये 20 तो मैंने आपको गिना दिए, बाकी 1000 काम हमारे मैनिफेस्टो। बताया कि सचिव की नियुक्ति कर देंगे आप, उससे पहले सरकार बनने से पहले नियुक्ति आपने कर दी, तो सीएम का चेहरा तो नियुक्त कर दो सर, सीएम बनेंगे कौन? देखिए अब आपने ये भी नहीं, आपका एक प्रश्न ये भी हो सकता था कि सर चार धाम चार काम का मंत्री कौन होगा। देखिए कुछ चीजें संविधान के अनुसार चलने दीजिए, संविधान के अनुसार जो विधायक दल चुन के आते हैं, विधायक दल अपना नेता चुनते हैं और वह नेता मुख्यमंत्री बनता है। पर पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार मैं आपको कहता हूं कि हम चार धाम चार काम का एक अलग से विभाग बनाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट विभाग होगा और जिसमें 1% भी और सारे जो काम उसमें हुआ उसका ब्यौरा